हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये न्यूमेरिकल समझ गए ना, तो इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा आप बना लीजिएगा। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट को बता दूं कि इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द लाइन, एक लाइन में जा रहा एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 2 मीटर पर सेकंड है और सेकंड ऑब्जेक्ट का है 1 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। दे कोलाइड, टकराया एंड आफ्टर कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो हो गया 1.67 मीटर पर सेकंड। आपको डिटरमाइन करने बोल रहा है कि सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालिए। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, मास वन इसका पहला बॉडी को एम वन कर देते हैं और कितना ग्राम दिया हुआ है 100 ग्राम, तो इसको हम लोग केजी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 केजी, ठीक है ना। अब इसका जो वेलोसिटी है वो आपको दिया हुआ है कितना, यू वन है, कितना दिया हुआ आपको 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। दूसरा कोई बॉडी है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, जिसका एम टू लिख देते हैं और कितना है 200 ग्राम है, यानी कि केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.2 केजी हो जाएगा। क्लियर है। अब ये दोनों क्या हुआ, अब इसका वेलोसिटी भी लिख देते हैं। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 1 मीटर, यू टू मान लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। मास 1 0.1 केजी है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, मास 2 0.2 केजी है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है। टकराने के पहले, यानी कि ये वाला बात जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन का बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब देखिए, अब ये टकराया, टकराया कैसा, मान लीजिए ये मास 1 है और ये वाला मास मान लीजिए 2 है, यानी कि ये M1 है और ये क्या हो गया, M2 हो गया। क्लियर है ना। टकराने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक का वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ नहीं, यानी कि हम आफ्टर कॉलिजन का बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन M1 का वेलोसिटी जो बन गया है V1 वो कितना दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको बोल रहा दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालिए, यानी कि v2 बताइए कि कितना होगा टकराने के बाद। क्वेश्चन समझ गया ना। टकराने से पहले ये कंडीशन है, ये टकराया, टकराने के बाद इस बॉडी का जो वेलोसिटी था वो ये हो गया, तो बताइए v2 का वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर है ना। सारा क्वेश्चन बच्चों इसी तरह बनता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप फिगर समझ गए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सारा जो लिखे थे वो लिख लेते हैं। क्या क्या हमारे पास था, हमारे पास M1 हो गया 0.1 केजी, है ना, उसके बाद M2 हो गया 0.2 केजी, ठीक है, उसके बाद आपका U1 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद U2 हो गया 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। उसके बाद आपके पास V1 है 1.67 मीटर पर सेकंड, आपको क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। बात समझ रहे हैं ना, यही ना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो कॉलिजन के बाद भी मोमेंटम होगा। तो देखिए ये क्या चीज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस क्या हो जाएगा m2 u2। क्लियर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा m2 v2।
क्लियर है। M1 कितना आपके पास है, देखिए M1 दिया हुआ 0.1, U1 आपके पास कितना है दिया हुआ है 2, प्लस M2 कितना दिया हुआ है 0.2, और U2 कितना दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 1, क्लियर है ना। उसी तरह यहाँ पे M1 कितना दिया हुआ है 0.1, V1 कितना दिया हुआ 1.67, प्लस M2 कितना दिया हुआ है 0.2, और V2 दिया हुआ नहीं है, क्लियर है ना बच्चों। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 0.2, और ये भी क्या चीज हो जाएगा 0.2। अब ये वाला पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए 3 0 है यानी कि 3 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा 0.167, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया 0.2 V2, आपको ये अलग करना है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में इसको ऐड कर देते हैं, तो 0.2 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा 0.4, माइनस 0.167 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 V2, क्लियर है ना। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए साइड में, देखिए 0 0 क्या हो जाएगा 0.167, देखिए क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 हो गया, ये हो गया 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, यानी कि बोलिएगा 0.22 हो रहा, 0.233 इज इक्वल टू हो गया 0.2 V2। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0.233 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू, ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों V2 निकलेगा, है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करने पे देखिए कितना आएगा, मैं इस साइड कर देता हूँ कैलकुलेशन, देखिए इसका पॉइंट हटाइएगा नीचे 2 0, इसका पॉइंट हटाइएगा ऊपर 0, मैं पूरा कर देता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इसका 1 0 हो गया, इसका 3 0 हो गया, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2 1 2, 2 1 2, 2 6 2 1 बचेगा, 2 5 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 0 पहले से है तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा 1.165 मीटर पर सेकंड, दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड वाला जो मास था जिसका 0.2 था, उसको टकराने के बाद जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा 1.16, क्लियर है ना। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए ना तो सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा इसी टाइप का। देखिए यहाँ पे क्या है, V2 दिया हुआ नहीं था, हो सकता है क्वेश्चन में M1 दिया हुआ ना होगा, यानी कि V1 दिया हुआ नहीं हो सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में U2 नहीं दिया हो सकता है क्वेश्चन में U1 नहीं दिया हो, यानी कि सबको निकालने बोल सकता है। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और जितना भी क्वेश्चन बनता है सब इसी टाइप का बनता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जो गन और रिकॉल का, यानी कि गन का क्वेश्चन जो आता है इस पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।